हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर नंबर 17। हियर कम्स अ लेटर फ्रॉम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 3 फॉर ईबीएस। रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए एग्जाम के लिए। और अगर आपने लेसन नहीं पढ़ा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1। गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स। The pictures are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence. और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वर्कशीट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स सभी आपको मिलते रहे। तो इसमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, इसमें सीक्वेंस हमें अरेंज करने हैं। मीन्स पहला कौन सा काम हुआ है? अभी पिक्चर में इस तरह से दिया हुआ था, हमने सीक्वेंस में अरेंज की है। इस लड़के ने चिट्ठी लिखी होगी, फिर जाके पोस्ट बॉक्स में डाला होगा, फिर पोस्टमैन ने उस पोस्ट बॉक्स को खोल के सारे चिट्ठियों को ले गए होंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में ठप्पा लगा होगा किस जगह जाएगी उसका, और फिर पैक हो गया है। शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्टिंग करके दिल्ली के पैकेट को दिल्ली के साथ रखते हैं, अलग अलग जगह का पैकेट बन जाता है। फिर घर घर तक, जब वो पैकेट दिल्ली पहुंच जाएगी तो वो घर घर तक भी लेटर्स पहुंच जाते हैं। नंबर 7, और इन्होंने फिर खोल के पढ़ा। Which letters have stamp on them? सभी लेटर्स में स्टैम्प रहता है। All letters have stamp on them. Are the stamps similar? What are the differences? The answer, the picture and design of all postage stamps are different. और सभी स्टैम्प के वैल्यू भी डिफरेंट होती है। कोई 2 रुपया का, कोई 4 रुपये का, कोई 5 रुपये का स्टैम्प पाए जाते हैं, जिसमें कि पिक्चर और डिजाइन अलग अलग होते हैं। नंबर 4, हैव यू सीन द स्टैम्प ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन दीज लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर्स देखी है और स्टैम्प उसमें देखा है? नो, बट आप में से सभी बहुतों ने देखी भी होगी। इसी साल मेरे बेटी के लिए पोस्ट ऑफिस से एक प्राइज भी आया था, तो इस तरह का आपके पास भी आया होगा कोई लॉकडाउन। नंबर 5, रीनास लेटर रीच दिल्ली बाय ट्रेन। हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वाज नो ट्रेन? आंसर, व्हेन देयर वाज नो ट्रेन, पिजन्स डिलीवर द लेटर्स टू द डेस्टिनेशन। बहुत पहले राजाओं के जमाने में पिजन्स यानी कि कबूतर जो है वो ले जाया करते थे लेटर्स को। People took and delivered the letters to the destination. और उसके बाद people means आदमी खुद ले जाया करते थे। Question number 6. What is this? What are Rajya and her appa saying to each other about letter? Answer. Rajya told her appa that she learned about the journey of a letter and wanted to write a letter to Nani. Rajya ने appa से कहा कि वो भी लेटर लिखना चाहती है और वो अपने नानी को लेटर लिखेगी। अप्पा रिप्लाइड दैट शी नोज हाउ टू राइट अ लेटर एंड वाज गोइंग टू मेक अ फोन कॉल। तब अप्पा ने रिप्लाई किया कि हाँ, उसे आता है लेटर लिखना और वो फोन कॉल से भी नानी से बात कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स? वी हैव सीन टेलीफोन एट टेलीफोन बूथ, स्कूल, होम। विथ होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन? वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन टेलीफोन। विच ऑफ द टू वेज डू यू लाइक मोर, राइटिंग अ लेटर और मेकिंग अ कॉल? वाई, टॉकिंग ऑन द फोन। आजकल सभी को टॉकिंग ऑन द फोन ही ईजी भी है और अच्छा भी लगता है। वी कैन, अभी क्या होता है कि वीडियो कॉल करके वी कैन सी ऑल्सो देयर फेस, इजंट इट? हमें ऐसा लगता है कि शायद हम लोग उनसे कोई दूरी में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल, वट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल? सिमिलरिटीज, बोथ आर यूज टू कन्वे द मैसेज, बोथ कैन बी यूज एनी वेयर इन द वर्ल्ड। दोनों ही लेटर्स या फोन कॉल दोनों ही मैसेज ही पहुंचाते हैं और दोनों वर्ल्ड के किसी भी कोने तक पहुंच जाते हैं। आर डिफरेंसेस, वी कैन हियर द वॉइस ऑफ अदर पर्सन ऑन फोन बट नॉट इन केस ऑफ लेटर। लेटर में हमें वॉइस सुनाई नहीं देता है और फोन में हमें वॉइस सुनाई देता है। लेटर्स टेक सम टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, ऑन फोन वी कैन टॉक इंस्टेंटली टू द अदर पर्सन। लेटर्स अगर हम भेजे तो थोड़े दिनों बाद मिलेगी, लेकिन फोन में हम लोग साथ ही साथ हमें बात करने को मिलता है। फोन
इज कॉस्टलियर देन लेटर, और फोन जो है वो कॉस्टलियर है, खर्चीला है लेटर से. लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग लेटर्स ही लिखते थे अपने दोस्तों को जो ट्रांसफर हो जाते. चिट्ठियों को अभी भी हम लोग खोल के पढ़ सकते हैं और मेमोरीज फिर से, हमारी यादें जो हैं फिर से ताजा हो जाती है. लेकिन फोन कॉल एक बार करते हैं तो उसका रिकॉर्ड, आजकल तो मोबाइल में रिकॉर्ड रह जाता है लेकिन फिर सुना नहीं जाता है. तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यही खत्म होता है. आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेसन का लिंक लेके देख लीजिएगा. मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू.